जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होकर स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा सातवीं के गणित पाठ्यपुस्तक में प्रश्नवली 2.2 को कर रहे हैं और हमने प्रश्न संख्या 6 तक अपने पिछली क्लास में कर लिया था। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है कि ज्ञात के से विसरित भेद में भी बदलना है। मैंने आपको बताया जहाँ भी का दिया हो उसका मतलब होता है गुना। पहले यह एक मिश्रित भिन्न है, इसे हम लोग सरल भिन्न में बदलेंगे। सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं? इन दोनों की करते हैं गुणा। 4 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 में से 3 छोड़ना है तो 8 और 3 11 आया। नीचे में 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर से समझिए, इन दोनों के गुना किए, 4 दूनी 8 आया, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है तो 4 दूनी 8 और 3 9 10 11, तो 11 लिख दिए। का मतलब होता है गुना, तो गुना देंगे। यहाँ पे 1, नीचे में 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे आप लोग को चेक करना है कि क्या कोई संख्या नीचे ऊपर से कट रही है। क्या 11 और 2 कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या 1 और 4 कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यहाँ से हमारा आया है 11 और 4 दूनी 8, ठीक है, 11/8 आया। इसे हम लोग को मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं? मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम लोग इसे भागा देंगे। 8 को हमें भागा देना है 8 से। तो देखिए, 8 का 12 में 11 तो आता नहीं, उससे कम 8 ही आता है एक बार में, तो एक बार में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 9 10 11 3 आएगा, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे भागफल आया है 1, तो पहले 1 लिखेंगे बड़ा सा। शेषफल 3 आया तो 3 लिखेंगे छोटा, और फिर बट्टे में भाग 8 दे रहे थे तो 8 आएगा। यानी 1 को बड़ा लिखना है जो भागफल आएगा, शेषफल को छोटा, और यहाँ जिसे भाग दे रहे थे उसे बट्टे में लिख देंगे। इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो यही संख्या आएगी 11/8। देखिए, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, और 3 करेंगे तो 11/8 आएगा, ठीक है। तो 1 सही 3/8 इसका उत्तर होगा, 1 सही। कितना उत्तर आएगा? 1 सही 3/8। प्रश्न संख्या 1 का पहला है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि 4 सही 2/9 का 1/2। तो यहाँ से कर लेते हैं, 9 चौक, बताइए मेरे साथ बोलिए, 9 चौक कितना हुआ? 9 का 9, 9 दुनिया 18, 9 3 27, 9 चौक 36 हुआ। 36 में तो जोड़ो, 36 और 2 को जोड़ो, कितना हुआ? 36 37 38, 38 हो गया जी, 38 लिख लेंगे। नीचे में 9 है तो 9 लिख लेंगे। गुना करना है 1/2 से 1/2। फिर से यहाँ चेक करेंगे कि क्या कोई नीचे ऊपर की संख्या घट रही है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखो कि 2 का पहाड़ा में 38 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? देखिए, यहाँ से 2 का पहाड़ा में 38 पूरी तरह विभाजित होगा। 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 1 आएगा 18 2 में 18 19 बार में कट गया, ठीक है। तो 19 का पहाड़ा में से काट लेते हैं तो 19 लिख देंगे। 19 को 1 से गुना करोगे तो 19/9 है तो 9 लिख देंगे। 19/9, इसे हम लोग को मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो 19/9 को आप लोग मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। यहाँ से 19/9 यानी 9 से भागा देंगे। 9 का पहाड़ा में 9 दूनी 18, 1 बचा भागफल आया 2, शेषफल 1 और 9, तो 2 सही 1/9। मैंने भागफल को पहले लिखा, शेषफल को लिखा, फिर जिससे भाग दे रहे थे उसे नीचे लिखेंगे, यानी 2 सही 1/9 लिख देंगे। 2 सही 1/9, इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो सरल भिन्न प्राप्त हो जाएगा। देखिए, 9 1 9 2 18 और 1 19, तो 19/2। प्रश्न संख्या बी दे रखा है इसका कि 3 सही 5/6 का 5/8। मिश्रित भिन्न है, सरल भिन्न में बदलते हैं। तो 6 3 18 और 5 कितना हो गया? 18 19 20 21 22 23 हो गया, तो 23 लिख देंगे। नीचे में 6 है तो 6 लिख देंगे। गुणे 5/8, फिर से चेक करना है कि क्या कोई संख्या कट रही है। क्या 23 और 6 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 23 और 8 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 5 और 6 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 5 और 8 कटेगा? नहीं कटेगा जी। तो हमें 23 को 5 से गुना करना है, और फिर यहाँ पे देखते हैं किसे भागा देंगे। तो 23 को 5 से गुना करेंगे, 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1 5 दूनी 10 और 1 11, 115 हुआ। 115 और नीचे में गुना करते हैं, 6 8 48, तो 48 को हमें भागा देना 115 से। आप लोग यहाँ से देखो, 115 को भागा देना है 48 से। अब कैसे करेंगे देखो, तो आप लोग को 115, यहाँ पे 48 है ना, आप लोग 50 मानो तो 50 का पहाड़ा में तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। 50 अगर 3 से ले लेते तो 150 होगा, 150 तो यहाँ है नहीं, यानी 48 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9 96 आएगा जी। तो 2 बार में देंगे 96,
ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पे 15 में से 6 नहीं जाएगा, 5 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 15 होगा, 15 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। अब इसको एक कैरी दिया, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 कितना आया, 19। तो भागफल आया है 2, शेषफल आया है 19, छोटा लिखेंगे, और 48 से भागा जाएगा तो 48, यानी 2 सही 19 बटे 48 इसका उत्तर होगा। कितना होगा, 2 सही 19 बटे 48 इसका मिश्रित भिन्न होगा। प्रश्न समझ में आ गया। चलिए प्रश्न संख्या डी में देखते हैं। प्रश्न संख्या डी दे रखा है हमारा कि 2 9 × 2/3 का 5/8, तो इसे हम लोग पहले सरल भिन्न में बदलते हैं, 9 3 27 28 29 29 हो गया, बट्टे में 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना 5/8 है तो 5/8। चेक करते हैं कि क्या कुछ कट रहा है, क्या 2 29 और 3 कटेगा, नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कट रहा है इसमें ना, तो इसे कर लेते हैं, 29 को 5 से गुना कीजिए, तो 29 को 5 से यहाँ से गुना कर लेते हैं, 29 को 5 से गुना करते हैं, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 2 10 और 4 14, 145 हो गया, लिख देंगे, बट्टे में 8 दिया 24, 24 लिख देंगे, तो हमें 24 को 145 से भाग करना है। आप लोग यहाँ 24 ना मान के 25 मानो, मैं मानने के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे मानोगे कि कितना कम आएगा, तो 25 का पारा तो लीजिए, 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 25 पच्चीस 125, 25 छक 150 हो गया, हमें 145 जाना है, 150 तो ज़्यादा हो गया, करना होगा 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 आ गया, और 6 दूनी 12 13 14 कितना आ गया, 144 6 बार में, तो 6 से भागा देते हैं, 6 से करते हैं इसको भागा तो 144 आएगा, शेषफल आएगा 1, तो यहाँ पे आया 6, शेषफल आया 1 और बट्टे में 24, तो इसका उत्तर क्या होगा, 6 सही 1/24 इसका सही उत्तर होगा। तो ये था प्रश्न संख्या 7, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, साथ ही भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा, इससे हमें भी एक नई मोटिवेशन मिलती है कि चलिए बच्चा हमें पसंद कर रहे हैं हमारी चीज़ों को, तो हमें और भी अच्छे से समझाने की ऊर्जा आती है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सके सभी को मिलते रहे, और आने वाली सभी वीडियो को आप समय से देख सकें, अपना पूरा फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 में, थैंक यू।